नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है, जब सिद्धारमैया पिछली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने डर के चलते एक प्रोजेक्ट को रोक दिया था, मैं होता तो उसे पूरा करता। शिवकुमार ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की जयंती के मौके पर विधानसभा में ये बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास टनल और फ्लाईओवर का निर्माण कराने की कई रिक्वेस्ट आती है, कई प्रोजेक्ट्स में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। 2017 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तत्कालीन बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर केजे जॉर्ज शहर में स्टील फ्लाईओवर के खिलाफ प्रदर्शन से डर गए थे। मैं उनकी जगह होता तो विरोध करने वालों के आगे झुकता नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाता। शिवकुमार के इस बयान को लेकर कर्नाटक मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, मैं नहीं कहूंगा कि सिद्धारमैया डर गए थे। मुख्यमंत्री लोगों के परवाह करते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं। कई बार गलत बातें फैल जाती है और इसकी वजह से अच्छे फैसले रोकने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम भी यही कहना चाहते थे। शिवकुमार का ये बयान कर्नाटक कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं के बीच मनमुटाव के तौर पर देखा जा रहा है। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को मुख्यमंत्री तय करने में 5 दिन का समय लग गया था। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की थी, तब हाईकमान के कहने पर शिवकुमार डिप्टी सीएम पद के लिए मान गए थे। कर्नाटक भाजपा दावा करती है कि अब दोनों नेता साथ मिलकर काम करने का दिखावा करते हैं, लेकिन जल्द ही सबको सरकार में फूट पड़ती नजर आएगी। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।